एटीएम डाले ना पैसा। अब मुझे मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट, सभी जान रहे हैं, यही मैं गवर्नमेंट से इतना ही कह रहा हूँ कि आपके जो ये हिंदू या मुस्लिम की दिक्कत नहीं है सर, ये हर नागरिक की दिक्कत है। कई यहाँ पर ऐसे होंगे जो अगर आप रिपोर्ट को नहीं मानना चाह रहे तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, मेरा केस मैं रहूंगा यहाँ रिपोर्ट के ऊपर। ठीक है, जल्दी से सर, मैं चाहता हूँ आप सुन लीजिए, बहुत देर इन्होंने बोला है, मुझे प्लीज बोलने दीजिए। नंबर वन, बार बार ओवैसी साहब कह रहे हैं क्या गड़बड़ी हो गई अगर मैंने मुसलमानों की बात कर दी, इसमें कौन सा भूकंप या भूचाल आ गया जो मैंने कह दिया कि मुसलमानों की गड़बड़ी है। मैं आपको बताता हूं, यही कोई धोती पहन के कोई टीका लगा के विश्व हिंदू परिषद का आदमी या कोई साधु या साध्वी कह देती ना कि ये हिंदुओं के इलाके में पैसा नहीं आता तो पूरे देश में गजब दाद आता, ये हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं, ये हिंदुत्व बनाना चाहते हैं। यही ओवैसी साहब पार्लियामेंट में चिल्ला रहे होते और आज मैं बोल रहे हैं कि मैं मुसलमानों की बात क्यों ना करूं, क्यों करेंगे केवल मुसलमानों की बात, सबकी बातें क्यों नहीं करेंगे। दूसरी बात, रिपोर्ट पे आता हूं मैं, आप रिपोर्ट पढ़िए, मैं आप सबको बता रहा हूं इंफॉर्मेशन के लिए, बहुत होगा तूतू मैं। अब मैं हकीकत बताता हूं, रिपोर्ट में लिखा है कि हां, सचर कमेटी की रिपोर्ट भी आई कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है, 2000 कोई पिछड़ ये ढाई साल में नहीं गया, कोई ढाई साल में आके हमने आपके बैंक नहीं छीन लिए, 70 साल से मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, आपको इस्तेमाल किया गया, आज बिल्कुल इस्तेमाल किया गया। आज मैं बहुत कष्ट के साथ कह रहा हूं ओवैसी साहब, आप जैसे नेताओं ने कभी भी इनको नहीं कहा कि बैंकिंग सिस्टम में पैसा डालो, जब ये पैसा डालने जाते थे बैंकिंग सिस्टम में आप कहते थे ये अन इस्लामिक है, इस्लाम अलाउ नहीं करता है बैंकिंग सिस्टम, और आज अचानक कह रहे बैंक क्यों नहीं खोला। मुझे याद है जब आपके क्षेत्र में बैंक खुलना था ना, आप लोग कहते थे ये तो इस्लाम के खिलाफ है, बैंक कैसे खोल दोगे, और आज आप बोल रहे बैंक क्यों नहीं खोला। मैं संपित को चैलेंज कर रहा हूं, मेरा कोई एक स्टेटमेंट दिखा दें जो ये कह रहे हैं। मेरे को स्टेटमेंट पढ़ने कहाँ दे रहे हैं, मैं तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट पढ़ दूं कि सब भूकंप आ जाएगा। भूकंप आ जाए ना, आ जाए भूकंप। देखिए अगर भूकंप, सुनिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बैंकिंग सिस्टम में मैं बैंक्स को खोलने की बात कर रहा हूं, आपके प्राइम मिनिस्टर जाकर सऊदी अरब, हमारे प्राइम मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब जाकर, नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर एग्रीमेंट साइन करके आए, ये गलत बात जब है। मुसलमान याद नहीं आया, मुसलमान इलाके बोलेंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है सऊदी अरब में? नहीं अंजना जी, मैं पूछता हूँ ओवैसी जी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मेरे प्राइम मिनिस्टर मोदी है, तो ओवैसी जी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, चलिए नहीं अभी भी नहीं, ना 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 आपके प्राइम मिनिस्टर, ना 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 आपके मुल्क के नहीं, आपके मुल्क के आप बोलेंगे आज कि मेरे मुल्क के मेरे प्राइम मिनिस्टर, बोल के दिखाइए। नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? यही पार्टीशन है, ये अपने प्रधान, मेरी मर्जी नहीं होता है साहब, आप एक पार्लियामेंटेरियन है, सुन लीजिए, एक पार्लियामेंटेरियन जो अपने प्राइम मिनिस्टर को अपना प्राइम मिनिस्टर, अपने मुल्क को अपना मुल्क नहीं कह सकता, ये बंटवारा नहीं कर रहे हैं तो